क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। जैसे कि आप इस टाइटल की वीडियो में देख सकते हैं, आज हम करने वाले हैं वेट अ सेकंड, मेरा वॉलेट ये गुच्ची पराठा से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो आज हम करेंगे 300 रुपीस चैलेंज। तो आज की वीडियो में हम कन्वीनियंस स्टोर भी जाएंगे। ऑफ कोर्स हम गांधी जी को कोरिया में यूज नहीं कर सकते, तो 300 रुपीस कोरियन वन में इतने बनते हैं। और इतने पैसों में कोरिया में 24 घंटे खाना खाना मुश्किल ही नहीं, नमकीन है। लेकिन आपकी पूरी दीदी बहुत ही स्मार्ट है, तो मैं फ्री फंडे में ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ, वो कैसे आपको वीडियो में पता चलेगा। और लंच और डिनर का मैंने अभी सोचा नहीं, अभी ये मेरा कीमती धन वापिस रख देते हैं। इनका ना मानसिक संतुलन खराब है। पराठा का वॉलेट टूट गया। इस फोटो में मम्मी भी काफी डिसअपॉइंटेड लग रही है। क्यों मैं ओवरएक्टिंग करता है साला? ओवरएक्टिंग की औलाद। हाय गाइस, अभी मैंने मेरा मेकअप वगैरह सब उतार लिया, अभी मैंने मेरे जिम के कपड़े पहन लिए क्योंकि आज हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं जिम में। तो नॉर्मल प्राणी ब्रेकफास्ट घर पर करते हैं, कॉफी शॉप में या रेस्टोरेंट में करते हैं, लेकिन आपकी पूरी थोड़ी हटके से। ओ गाइस, गाइस देखो क्या आ रहा है वहां पर, मोटरसाइकिल। ओके, आज का दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। मैं क्या बोल रही थी, तो मैं ब्रेकफास्ट जिम में क्यों करने वाली हूँ, जिम में जाकर ही आपको बताती हूँ। ओह माय गॉड, ये क्यूट सा टॉय किसने फेंक दिया यहाँ पे। जब भी मैं जिम में एंट्रेंस करती हूँ तो मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि यहाँ पर आपको आधे नंगे लोग मिलेंगे जो कि यहाँ के जिम के ट्रेनर है, जो कि अपनी डोले शॉल बॉडी शॉप कर रहे हैं। I'm so shy, my innocent eyes guys. 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। नहीं, ये रहे यहाँ के सारे जो जिम ट्रेनर होते हैं ना, वो वाले। इसी झूमर के नीचे मेरी शक्ति की लाश। तो आज की कॉफी मैं जिम में इसलिए पीने वाली हूँ क्योंकि हमारे जिम में ना फ्री फंडे की कॉफी मिलती है। यहाँ पर एक पंखा, ये रहा हेयर ड्रायर, और यहाँ पर एक फ्री फंडे वाली कॉफी, तो हम यहाँ से एक ले लेते हैं। अभी गर्म पानी डालते हैं, इसको चम्मच बनाकर मिक्स करते हैं। और अभी हम कुछ डोले शोले बनाते हैं। आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख, प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। anyway, मैं बहुत ही शर्मीली इंसान हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा सुबह आती हूँ जिम में, क्योंकि इस वक्त ज्यादा लोग नहीं रहते। अगर आप यहाँ पर शाम को आओगे ना, तो यहाँ पर इतने लोग होते कि यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं होती। सो गाइज, मैं भी आधा टाइम जिम में मेरे फोन के साथ खेलती हूँ मेरी फ्रेंड की तरह, लेकिन क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग के वास्ते थोड़ा बहुत वर्कआउट भी दिखा देते हैं। ये है मसाज मशीन। पिलाटेस वर्कआउट डोले शोले हो गए और अभी हम घर पर चलते हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि दीदी आप इस शॉपिंग मॉल में ग्रोसरी स्टोर में क्या कर रहे हो। सो बेसिकली कोरिया में ऐसा होता है कि जब आप ऐसे स्टोर में जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको टेस्ट करने के लिए छोटा मोटा खाना देते हैं, जैसे कि एक ग्लास दूध का हो गया हो या कुछ यू नो छोटा मोटा स्नैक्स टाइप में देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर फ्री फंडे में कुछ खाना खा लूँ। गाइज देखो कितना महंगा पौधा है ये वाला, 70,001। क्या इस पौधे पर पैसे उगते हैं कि इसलिए इतना महंगा है? गाइस ये रहा फ्री फंडे का। गाइस ये रहा टूफू जो कि पनीर जैसा होता है लेकिन पनीर नहीं है। खत्म। थोड़ा बहुत पेट भर लिया आज तो मैंने। लंच करने से पहले मुझे शावर करना और हेयर वॉश भी करना है। अभी हम हमारे हेयर को प्रेप करते हैं। अभी तेल गर्म हो गया है तो इसको बालों में लगाते हैं, अच्छे से मसाज करना है और इसके साथ अपनी खोपड़ी को अच्छे से मसाज करना। थोड़ा तेल मेरी खोपड़ी भी लगा देना। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मैंने मेकअप भी कर लिया है और ये रहा मेरा आउटफिट, ये रही ब्लैक टी शर्ट और ये है सिल्क स्कर्ट। फुट
में चल रही है गाइस, ये कैसा तरीका है? सैलमन भाई इंडिया में फुटपाथ पर कार चलाते हो, यहाँ पर कोरिया में मोटरसाइकिल। नल्ले डॉन आ रहा हूँ तेरे पास। आपको पता है मेरी जिम के पास में ना एक नया कन्वीनियंस स्टोर खुला है 7-Eleven, और ख्वांगजू में एक नया कमीना स्टोर खुला, और मैं वहाँ पर ना जाऊँ ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो आज हम लंच वहाँ पर करने वाले हैं। हमें यहाँ पर ऊपर जाके वो ब्रिज क्रॉस करना और वहाँ पर जाना है। मैं यहाँ पर रोड क्रॉस करने का वेट कर रही हूँ, और अगेन यहाँ पर एक और लौंडा है जो कि मुझे घूर घूर के देख रहा है। स्टॉप लुकिंग एट मी, और मुझे इतनी शर्म आ रही है। ओवरएक्टिंग की औलाद, इतनी शर्म आ रही है कि आपको क्या बताऊं। गाइस ये रहा वो 7-Eleven, हम खाना खरीदते फिर यहाँ पर बाहर बैठ के उन लोगों की तरह खाना खाएंगे। जब भी न्यू ओपनिंग होती है तो ऐसे फूल रखते हैं। सबसे पहले ये छापरे लेते हैं। यहाँ पर सबसे सस्ती ये हेलो किटी की मार्शमेलो है, तो ये वाली लेते हैं। पीने के लिए हम ये पीच योगर्ट लेते हैं, ओनली 600। ये शाम का किमपाप भी ले लेते हैं, 1100। ये भी यहाँ पर नूडल्स देख रहे हैं, ये वाले हैं चिन लामियन जो कि है जिन के रामियन। चिन लामियन बात है, चिन चिन लामियन जोआए ना, चिन लामियन जोआए ओत्तुगी चिन लामियन। आज हमारा बजट सिर्फ इतना ही है, तो अभी हम इसको पे करते हैं। क्योंकि नन अंजे योरस साया साइल हिस्सा आ साइल मान वाओ। नहीं ये मेरा इंडिया का कार्ड है। बाहर खाने का आइडिया बहुत ही बकवास था, क्योंकि जैसे ही मैं खाना शुरू करती हूँ ना, सब लोग मुझे रोकते हैं और सवाल पूछने लग जाते हैं। सबसे पहले हम इस पीच जूस के साथ स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं अंदर इसलिए आ गई क्योंकि जो बाहर लोग थे ना, वो सब मुझे घूर घूर के देख रहे थे। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उनको बोलूं, इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं। एनीवे ये पीच जूस बहुत ही स्वीट है। अब इसको माइक्रोवेव में गरम करते हैं। इसको खोलने में ना बहुत ही मजा आता है, तो सबसे पहले इसको यहाँ से ऐसे स्ट्रिप ऐसे नीचे करो, बाद में ये साइड वाले ऐसे खोल दो। अभी हमारे रामियन भी रेडी हो गए हैं। कोरिया में टिश्यू पेपर की जगह जो टॉयलेट पेपर होता है ना, वो वाले रखते हैं। आई डोंट नो व्हाई, जब मैं कोरिया में आई थी हर रेस्टोरेंट पर टॉयलेट पेपर था टेबल के ऊपर, तो मुझे कल्चरल शॉक हो गया था। हमारा लास्ट आइटम जो कि है हेलो किटी की कैंडी। मेरा पूरा काजल बिखरने लग गया है अभी यहाँ पे। अभी हम यहाँ की साफ सफाई करते हैं। झाड़ू पोछा भी करो और चमकाओ खिड़की। यार आज मैं कुछ अजीब सी लग रही हूँ, क्या पता नहीं कि सब लोग जो भी अंदर आ रहे हैं यहाँ पर, वो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कैमरा ऑन करके रखा है, मतलब कि जब मैं खा रही थी और कैमरा ऑफ भी था ना, तब भी पता नहीं क्यों, तो मैं ऑलरेडी शर्मीली हूँ, और ऊपर से लोग मुझे घूरते ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ अजीब सा लगा हुआ होगा मेरे फेस पर। चलो अभी घर पर चलते हैं और मोमो के साथ खेलते हैं। ये कोई टेडी बेयर नहीं है, ये मेरा कुत्ता। जा मोमो जी ले अपनी जिंदगी। यूंगी क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? इस पार्क में कुछ बच्चे अपना वॉलेट भूल गए, इसके अंदर कुछ पैसे भी रहे। मोमोंग मोमो नहीं, नहीं हमारा नहीं है वॉलेट, पता नहीं ये बच्चे क्या क्या छोड़ के चले गए यहाँ पे। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? मोमोंग वो बच्चों का खाना खा रहा है, पता नहीं क्यों इन दिनों मुझे इतनी ठंडी लगती है, मतलब कि जब -13 degrees हो रही थी ना, तब भी मुझे इतनी ठंडी नहीं लग रही थी। हे सिरी मुझे इतनी ठंडी क्यों लग रही है? जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उस व्यक्ति को ठंड लगती है। थैंक यू सीरी मुझे ये बताने के लिए, मुझे खुशी हुई। यहाँ पर तू बोल रही है कि मैं मरने वाली हूँ, तुझे खुशी हो रही है? वीडियो के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। तू कचरा खा के आ गया मोंग, कचरा खाने का होता है क्या? तो कितना गंदा हो रखा है मोंग, देख क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। कोई बेवड़े लोग यहाँ पर दारू छोड़ के चले गए। मोंग को एक फ्रेंड दिख गया, मोंग को एक और फ्रेंड मिल गया। हाउ मच लॉन्गर आर यू बी हियर? 5 years. 5 years. Your English is good. No. अंकल जी की अंग्रेजी के लिए एक लाइक हो जाए। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अंकल जी ने पूछा कि ऐसे क्यों कपड़े पहन रखी है। मैंने बोला कि मुझे ठंडी लग रही है यार, मैं क्या करूँ, मुझे इतनी सर्दी लग रही है। कहीं सीर की बात सच तो नहीं होने वाली?
सो गाइस अभी यहाँ के शाम के 5 बज चुके हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है क्योंकि आज मैंने ज्यादा खाना भी नहीं खाया। मैंने मेरी फैशन भी वापस चेंज कर ली क्योंकि जब मैं कन्वीनियंस स्टोर गई थी इतने मस्त कपड़े पहन कर गई थी, कोट ही नहीं उतारा क्योंकि सर्दी लग रही थी। तो क्या फायदा इतने अच्छे कपड़े पहनने का जब आप शो ऑफ ही नहीं कर सकते। मैंने ये इयररिंग्स भी पहन रखी और कुत्तों की तरह ये काला पट्टा भी बांध रखा है। तो जिस रेस्टोरेंट में जा रही हूँ ना वो ख्वांगजू का सबसे सस्ता रेस्टोरेंट है। तो रियली होप कि मैं इतने पैसों में अच्छे से खाना खा सकूँ क्योंकि ना मुझे आज पूरे दिन बहुत ही भूख लग रही है। अभी सबका डिनर ब्रेक टाइम हो रहा है। ये बिल्डिंग एक आर्ट स्कूल है, ये है एक हॉस्पिटल। ड्राई फिश, मुझे यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इस ग्रैंडमा से पूछता तो है इरोके खाया अंदर। यहाँ से वहाँ घूमना है। फाइनली रेस्टोरेंट मिल गया। ये रहा, यहाँ पर सब 1001 का होता है जो कि 60 रुपीस लगभग होता है। चलो अंदर चलते हैं। गाइस ये सब 60 रुपए का है। यहाँ पर रेड राइस, सीवीड सूप, यहाँ पर है मीट, किमची और कुछ सब्जी। अंकल जी हंस के मुझे बोले थे कि आराम से खाना खा ले, फोन के साथ बाद में खेल लेना। तो मैंने बोला कि नहीं अंकल जी मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो उन्होंने बोला क्या मैं भी आ सकता हूँ। तो जो लेडी थी ना उन्होंने बोला कि नहीं सिर्फ सुंदरी लोग ही व्लॉग बना सकते हैं। तो मैंने अंकल जी को बोला कि नहीं अंकल जी आप बहुत ही हैंडसम हो। वो आंटी मुझे बार बार बोल रही थी और खाना खा ले लेकिन मुझे बुरा लग रहा है तो मैंने बोला नहीं बस इतना ही काफी है। वो जो ओनर है ना इस रेस्टोरेंट की उन्होंने बोला कि ये ख्वांगजू का नहीं पूरा कोरिया का सबसे सस्ता रेस्टोरेंट है। इतना अच्छा घर का बनाया हुआ खाना वो भी 60 रुपए में। गाइस अभी मेरे पास 200 रुपए बच गए हैं और मैं और क्या खरीद सकती हूँ और क्या खा सकती हूँ। गाइस अभी जो होने वाला है ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। जैसे उन्होंने मुझे खाना दिया ना उन्होंने बोला कि चले चली जा, तो मुझे पहले बुरा लगा कि वो मुझे जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो मुझे फ्री में खाना दे रहे और वो पैसे ले रहे नहीं चाह रहे थे। मैं बार बार बोल रही थी कि पैसे तो ले लो। उन्होंने मुझे ये फ्री में दे दिया। अभी मुझे रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ओल्ड लेडी है और वो अकेले काम करते हैं, पैसे कमाते हैं अपनी मेहनत से और उन्होंने मुझे ये फ्री में दे दिया। यहाँ पर आपको चद्दर और कम्बल होती है ना वो वाली मिलेगी और देखो ये कितनी क्यूट है। बहुत सारे लोगों के लिए 1001 ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती होगी लेकिन उन लेडीज़ के लिए जो वहाँ पर इतनी मेहनत से काम करती हैं उनके लिए बहुत होता है। मैं सोच रही हूँ कि जब लिन वापस आएगी ना कोरिया में तो मैं लिन और जोसेफ वहाँ पर जाएंगे और उस लेडी का जो जितना सामान हो सकता है ना वो हम खा कर आएंगे और उसको बहुत सारे पैसे भी देकर आएंगे क्योंकि यार वो डिज़र्व करती है। गाइज आई एम बैक होम। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ जो कि होने वाला है इस कुत्ते का हैप्पी बर्थडे। तेरे को नहीं बोला और एक्चुअली ये वाला व्लॉग पहले आने वाला था लेकिन कुछ सैड सी बात हो गई थी जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। मैंने आज ऑलरेडी बहुत कचरा खा लिया बाहर जाके। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट पार्ट इस व्लॉग का कौन सा था और मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ। तो सी यू सून गाइस। पता नहीं क्यों मुझे पर्दे पर लिखा हुआ है यू ऑलवेज डिड लुक प्रीटी, इसका मतलब कि अब प्रीटी नहीं लगते पहले लगते थे। गेस करो ये कौन है। उसके अंदर चॉकलेट है गाइस।